साइयाम कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। जी ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और आज हम सब लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम आज जाएंगे सबसे पहले चर्च देखने। तो ये यहाँ पर एक चर्च हमें बड़ा सा दिखा तो हम बस उसमें आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चर्च में रुके, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था यहाँ क्या करना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकल गए थे। आज हम लोग आए हैं मीरामार बीच पर। जी हाँ, ये मीरामार बीच है और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमने कोई भी टैक्सी हायर नहीं की है क्योंकि हम ऑलमोस्ट जितने भी फेमस बीचेस थे वो सब हम देख चुके हैं गोवा के। तो आज हम लोगों ने ये सोचा कि आज हम खुद ही वहाँ के जो लोकल कन्वेंस हैं उनके थ्रू ही हम ट्रैवल करेंगे। तो बस जी हम पहुँच गए थे बस के, वहाँ की जो लोकल बस थी उसके थ्रू हम लोग पहुँच गए थे मीरामार बीच पर। यहाँ पर व्यू तो बहुत ही प्यारे थे और जो आइलैंड्स थे वो यहाँ से भी एकदम क्लियर दिख रहे थे और यहाँ से बहुत ज़्यादा पास भी थे वो आइलैंड और व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। शिप्स भी निकल रही थी कलरफुल यहाँ से, पर भाई साहब गर्मी इतनी थी कि बैठना हो गया एकदम मुश्किल वहाँ पे। तो जैसे तैसे करके हम एक घंटा लगभग बिताए समंदर के किनारे। उसके बाद हम लोग बाहर की साइड आ गए और समंदर के बीच के पास ही ना ये एक बना हुआ था बहुत बड़ा सा प्यारा सा पार्क और यहाँ पर साइका को तो मिल गए मस्ती करने के लिए झूले और हमें मिल गई थी छाया। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे और बता रहे थे वहाँ पे लोग कि यहाँ पर ना फिल्म की भी शूटिंग हुई थी, सिंगम फिल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ पर। तो बस हम लोग वहीं पर बैठे और काफ़ी देर हम मस्ती करते रहे थे यहीं पर। पहुंच गए थे गोवा की फेमस मार्केट पणजी। पणजी की मार्केट देखने के लिए हम लोग पहुंच गए थे। तो मार्केट में काफ़ी देर हम लोग घूमते रहे और कुछ खाने पीने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे। और यहाँ देखिए कसिनो के पॉइंट के पास हम लोग बैठे हैं। हम लोग इसमें अंदर तो नहीं गए थे बट हम यहाँ से देख रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर और कलरफुल कसिनो थे क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था, अंधेरा हो रहा था और काफ़ी लाइटिंग हो रही थी कसिनो पे। तो बस ये सब व्यू देखने के बाद यहाँ पे एक डेढ़ घंटे स्पेंड करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे होटल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं गोवा से अपने घर के लिए। हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं और अभी ना शाम को मतलब अभी हमने होटल छोड़ दिया है। जो रूम हमने ले रखा था ना वो रूम हमने अभी छोड़ दिया है। और देखिए ये जा रही है मेरी फैमिली और हमने ना अपना रूम अभी छोड़ दिया है। और आज हमारा ना शाम का है टिकट। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ लोकल जो लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं और जो मतलब यहाँ गोवा में रहते हैं तो हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ हमारे आसपास मतलब जो हमें अपना फ्लाइट लेने में इजी रहे, जो एयरपोर्ट के पास होगा ना बीच, हम वो वाला बीच अभी रहेंगे वहाँ दोपहर में। अभी हमने रूम अपना छोड़ दिया है तो रूम छोड़ के हम जा रहे हैं। पहले कुछ करेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का चाय पियेंगे, कुछ ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स गोवा में कि हम यहाँ 4 दिन हो गए हमें रुके हुए, आज फिफ्थ डे है। और जैसे हम लोग और जगहों में जाते हैं तो सुबह सुबह चाय मिल जाती है तो यहाँ चाय नहीं मिल रही है सुबह सुबह, और 9 बजे के लगभग मिलेगी। जैसे जिस रूम में हम लोग रुके थे तो वहाँ पे रेस्टोरेंट भी था, जो मैं सोते हैं होटल में वो था वहाँ पे। तो हम लोग ना जैसे हम 9 बजे तक जग के एकदम रेडी होके नहा धो के निकलते थे तब ब्रेकफास्ट मिलता था वहाँ 9 to 10:30 तक, 9 बजे से 10:30 तक वहाँ ब्रेकफास्ट मिलता था। उसके साथ ही चाय मिलती थी अलग से, जैसे हम लेना चाहें तो 9 बजे 9:30 के बाद वो तो भैया ना रूम में, और रात को तो फिर कभी मतलब मान लो रात को ले लो चाय तो रात में तो रूम में दे देते, बाकी सुबह रूम में मंगाओगे ना तो 9 बजे के पहले नहीं देंगे क्योंकि 9 बजे से पहले कैंटीन नहीं खुलता यहाँ का। तो बस हम लोग अभी 7 बजा है, 7 भी नहीं बजा सुबह का अभी, और हम लोग जल्दी से हमने रूम छोड़ दिया। हम सोच रहे थे कि जब हमें रूम छोड़ना है और आज लास्ट डे है गोवा में तो क्यों ना हम एक आध जगह और घूम लें यहाँ की। तो शाम तक का टाइम है हमारे पास, सूरज निकल आया है तो शाम तक का टाइम है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ देखिए चाय वाय पियेंगे और नाश्ते का, भूख तो नहीं है मेन, अभी चाय है
तो चाय पियेंगे फिर उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे डायरेक्ट बीच या फिर दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं अभी पहुँच के बताते हैं आपको। फ्रेंड्स हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो जी ये है 5th day का वीडियो और आज हमारा गोवा में है लास्ट दिन। तो हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे बस के लिए और ये युग और सायका है, ये मस्ती कर रहे हैं बस में। और बस लेके हम पहुँचे थे पहले मार्केट और वहाँ पर हमने एक सही सा देख के एक्सप्लेन पहले सबने किया वहाँ पे ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब सुबह जल्दी जग जाते हैं तो भूख सबको लगी रही थी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर पता किया और लोगों ने बताया कि जो यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पर बीच है आप लोग उस पर जाइए। यहाँ मार्केट और कोई अच्छी नहीं थी जो घूमने लायक मार्केट हो, क्योंकि जो बड़ी मार्केट थी वो हम लोग कल देख चुके थे। रूम पूछ रहा है रूम कैसा है, रूम कैसा और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे बीच पे। तो यहाँ पे बीच पे ही जो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं तो उन्हीं में से एक सही सा रेस्टोरेंट था, तो हमने वहीं पर जो रेस्टोरेंट में भैया थे उनसे बात कर ली थी और उन्होंने हमारा लगेज वहीं पे रखवा लिया था। तो बस यहाँ पे हमने लगेज अपना सेट करवा दिया था और हमें जो दिन का टाइम था वही बस करना था अपना स्पेंड यहाँ पर। और यहाँ पर हमने खूब सारी फिर से मस्ती करी, यहाँ पर छाया भी हमें मिल गई थी तो हम बार बार जाते थे, सारा दिन इसे बीच पे थे तो बार बार हम जाते थे पानी में और बार बार गीले होके फिर से आ जाते थे वापस यहाँ रेस्टोरेंट में। और सारा दिन करते रहे हम लोग यही मस्ती, तो कभी पानी में और कभी छाया में, कभी पानी में कभी छाया में आके सूख रहे थे और ये मस्ती चलती रही पूरा दिन। और ये सब जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है सीप, ये है सायका की जमा पूंजी जो सायका गोवा से लेके जाने वाली है घर। और ये फिर खूब सारी मस्ती हम बीच पे करते रहे हैं बार 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 बार। उसके बाद हो गई है शाम और फिर हम लोग निकल लिए थे एयरपोर्ट के लिए। जैसे ही हम लोगों ने एयरपोर्ट पे करी एंट्री तो हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट हो गई है पूरा 2 घंटे लेट, तो पर अब हम कर भी क्या सकते थे। जोर से बोल सकती हो। जब हम आए एयरपोर्ट पे चेकिंग चल रही है तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली 3-4 घंटे के वेट के बाद हमारी फ़्लाइट आ चुकी है फ्रेंड्स और हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं घर पहुंचने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए, कई दिनों के बाद पहुंचेंगे अपने घर। फ्रेंड्स आज की वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। और गोवा ट्रिप में आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी वाली वीडियो पसंद आई है कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स नई वीडियो में फिर मिलती हूँ, बाय बाय।